वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू प्रभु जी इतना सारा मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज मेरी लाइफ में चारों दिशाओं से अपार सक्सेस स्टोरीज आ रही है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस की। जी हाँ, आज मैं आप सभी के सामने एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ, आज सुबह ही उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर की है वीडियो के माध्यम से। तो उनकी स्टोरी तो आप उनकी जुबानी ही सुनेंगे, उसके पहले थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। आपने द सीक्रेट मूवी जरूर देखी होगी और द सीक्रेट मूवी में एक स्टोरी शेयर की गई है जिसमें एक रॉबर्ट इंसान है उसके बारे में बताया गया है। रॉबर्ट जो थे वो गे थे और उनको लोग परेशान किया करते थे, उनके ऑफिस के लोग भी परेशान करते थे और जब वो रोड पे भी चलते थे तो काफ़ी सारे लोग उनको परेशान किया करते थे। तो उनको लगता था कि ये मेरे गे होने के कारण ही लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। तो उन्होंने परेशान होकर एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था जहाँ पर उन्होंने अपने जो भी उनके ट्रेनर थे उनको उन्होंने ईमेल लिखा था, अपना सारा का सारा दर्द जो भी उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सब कुछ ईमेल के माध्यम से लिखा था। तो जो उनके ट्रेनर थे उन्होंने बताया कि तुम कहाँ पर अपना फोकस दे रहे हो, फिर से अपनी ईमेल को पढ़ो। ईमेल को जब उन्होंने रीड किया और फिर जब ट्रेनर के पास गए तो ट्रेनर ने बताया कि तुम अपना फोकस और एनर्जी पूरा का पूरा उस प्रॉब्लम में लगा रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ से अपना फोकस और एनर्जी उस चीज़ पर लगाओ जो तुम लाइफ में बनना चाहते हो। तो रॉबर्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे, तो फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो बहुत ही बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन बने, क्योंकि उन्होंने सारा फोकस एनर्जी उस प्रॉब्लम में ना लगा कर, लोग जो उनको टीज किया करते थे वहाँ पर ना लगा कर अपने ड्रीम पर लगाया और वो बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन बने और जो लोग उनको परेशान किया करते थे पता नहीं कहाँ पर गायब हो चुके थे। तो वैसी ही एक स्टोरी मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। सोहन लाल सर मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस के स्टूडेंट हैं और बड़ी ही शिद्दत से मॉर्निंग और नाइट को वो क्लासेस को लेते हैं। मैं मॉर्निंग 5 AM टू 6 AM एंड नाइट को 9 AM टू 10 PM क्लासेस चलाती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनकी स्टोरी क्या है कि वो एक चिटफंड कंपनी में जुड़े हुए थे और चिटफंड कंपनी में करीबन 25-30 लोगों का उन्होंने पैसा लगवाया था। तो वो चिटफंड कंपनी भाग गई, जब भागी तो जिन लोगों का पैसा लगाया था वो लोग तो शांत नहीं बैठेंगे और वो लोग इनको परेशान किया करते थे, कई बार अब्यूजिव वर्ड का भी यूज़ किया करते थे। तो ये परेशान इतने हो चुके थे कि उन लोगों के डर से कि वो लोग रास्ते में मिलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, इस डर से वो मार्केट भी निकलना छोड़ दिए थे। तो उन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड किया और मैंने उनको सिखाया बताया पॉजिटिव एफर्मेशन के माध्यम से कि आपको फोकस करना है उन सब चीज़ों पर जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं। वो मेडिटेशन किया करते थे और अपने फ्यूचर को विजुलाइज किया करते थे और आज उनकी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। वो जो चिटफंड कंपनी 25 लोगों का पैसा लेकर भागी थी, वो कंपनी ने बोला है कि वो 25 लोगों का पैसा वापस कर देंगी और वो सारे लोग जो उनको परेशान किया करते थे पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए। और जो कुछ लोग मिलते भी हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट देकर अब इनसे बात करते हैं, हंस के बात करते हैं और सर अब आए दिन हमेशा मार्केट में जाते हैं और आए दिन लोग जो भी मिलते हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो सोहन लाल सर की स्टोरी को आप जरूर सुनिएगा, जरूर सराहिएगा और जरूर उनको ब्लेसिंग दीजिएगा कि इसी तरीके से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहें और भी बहुत सारे अपार धन समृद्धि मान सम्मान ब्लेसिंग्स को वो अपनी लाइफ में ऐसे ही अट्रैक्ट करते रहें। थैंक यू, विश यू वेल्थ। ओके, मैं सोहन लाल प्रतापगढ़ UP से बिलोंग करता हूँ। मुझे सुबह मैम अट्रैक्शन का कोर्स अटेंड करने का मौका मिला जो कि मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और इसको करने से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं एक चिटफंड कंपनी में पहले काम कर रहा था जिसमें लोगों को पैसे फंसे थे और उन पैसों के लिए लोग मेरे दरवाजे पर आते थे, उनको सीधा बोलते थे, एब्यूजिंग वर्ड बोलते थे, परंतु आज वो लोग नहीं आते हैं और जब भी जो भी यहाँ मिलता है अच्छे से बात करते हैं, मान सम्मान देते हैं। बहुत सारा चेंज हुआ है क्योंकि ये मैम का क्लास
इतना बढ़िया सिखाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, जिसको मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी अच्छे से उनका क्लास अटेंड कीजिए और अच्छे से वो प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं और अच्छा सिखाती हैं, सीखने का मौका देती हैं। आप उनसे बातें कर सकते हो, उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, बहुत अच्छा बताती हैं। आप उसे सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक यू, रिसीव वेलथ।